पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर से तनाव तेज है। देश भर में शहीदों के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देवबंद से जैशे मोहम्मद के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। सहारनपुर जनपद की देवबंद तहसील का मीरकपुर गांव देश का ऐसा पहला गांव है जिसके लोग नशाबंदी का पूरा पालन करते हैं। अगर वहां से कोई बात उठी है तो क्षणिक भावना नहीं हो सकती। मीरकपुर से अब आर पार की लड़ाई की चाहत उठी है तो देश की राजनीति के लिए संदेश है कि अब किसान समाज अपने खून को बेकार और राजनीतिक नहीं बनने देगा। मीरकपुर के गांववासियों ने एकजुट होकर पुलवामा के गोरेगांव इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में मारे गए जांबाज शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सामूहिक रूप से राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति गुस्से का इजहार करते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। पुतला दहन के बाद भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र गुज्जर ने कहा कि देवबंद में पकड़े गए पुलवामा के रहने वाले कश्मीरी छात्र शहनाज और अकील अहमद, जो दारुल उलूम में रहकर आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे, इससे पक्का सबूत मिल गया है कि दारुल उलूम और जितने भी मदरसे हैं सभी में आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। जो आज आतंकवादी देवबंद के मदरसे से दारुल उलूम से पकड़े गए हैं साथियों, आज पकड़े गए हैं कश्मीर के छात्र ट्रेनिंग का काम कर रहे थे। चैलेंज देकर कहना चाहते हैं मीरकपुरवासी, पहली तारीख तक देवबंद को छोड़ दो। यहाँ जो कट्टरवादी फैलाना चाहते हैं कटमंडला, देवबंद को छोड़कर पाकिस्तान भाग जाए, अन्यथा पहली तारीख के बाद ढूंढ ढूंढ कर मीरकपुरवासी और गुर्जर आर्मी तुम्हारा नाश करने का काम करेंगे। पुलवामा हमले पर आक्रोश का ये आलम था कि सैकड़ों ग्रामीणों ने पुतला दहन करते समय पाकिस्तानी पुतले को लाठी डंडों से पीट पीट कर गुस्से का इजहार किया और राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प भी लिया। पुलवामा घटना को लेकर देश भर की जनता में आक्रोश है। साथ ही भाजपा नेता वीरेंद्र गुज्जर ने कहा कि वो प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत ही दारुल उलूम और तमाम मदरसों पर ताले लगा दें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाली 1 मार्च को गुरु जी का आशीर्वाद लेकर गुज्जर आर्मी गांव के रिटायर फौजियों से ट्रेनिंग लेकर देवबंद और क्षेत्र में छिपे हुए आतंकियों को मौत के घाट उतार देंगे, मगर क्षेत्र को किसी भी सूरत में कश्मीर नहीं बनने देंगे। मौजूदा सरकार से कहना चाहते हैं गांव मीरकपुरवासी, गुरु बाबा फकीरादास जी के मंदिर में संकल्प लेकर कहना चाहते हैं, या तो अपने जो जवान शहीद हुए हैं तुरंत उनका बदला लिया जाए, तुरंत के तुरंत हमला करके पाकिस्तान का सर्व नाश किया जाए, अन्यथा आने वाली 1 मार्च से गुरु जी बाबा फकीरादास जी का आशीर्वाद लेकर हम कश्मीर में कूच करने का काम करेंगे। और ये वहां जो पत्थरबाज आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारी गुजर बटालियन गांव मीरकपुर का इकट्ठा होकर वहां सर्वनाश कर देंगे कश्मीर आतंकवादियों का। ऐसे में देखना होगा कि युवाओं के इस आक्रोश पर सरकार क्या एक्शन लेती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय दीजिए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए।